कर लीजिए तो सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेलफोन से ज्वाइन किए हैं तो सेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहली क्लास है और पहली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं होम मेन्यू बार का पेस्ट स्पेशल। अब हम पहली क्लास में पेस्ट स्पेशल इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो मेनू के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। तो जो मेरा मेनू बार है उसमें होम मेनू बार फाइल में तो जस्ट सेव सेव एज कॉपी पेस्ट वगैरह है, होम मेनू बार है उसमें हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। अब जैसे कि छोटा सा डेटा हम यहाँ बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे नेम लिखें और हम यहाँ पे रोल नंबर एंड मार्क्स लिखते हैं, छोटा डेटा इसमें बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा पूरा कि आखिर है क्या है। बड़ा डेटा पे इफेक्ट समझ में जल्दी नहीं आता है, इसलिए हम एग्जाम्पल में छोटा डेटा यूज करते हैं लेकिन प्रोजेक्ट में बड़ा डेटा यूज करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ रैंडम नंबर देते हैं, हम यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला करता है रैंडम नंबर देता है, मतलब कि जो नंबर आप लिखते हैं उसके बीच का दो रैंडम नंबर आपको शो करके देगा कि आखिर है क्या। तो रैंड बिटवीन का यूज इस चीज के लिए होता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूं और हर बार ये नंबर चेंज करता है रैंड बिटवीन, जैसे अगर मैंने कहीं भी कुछ इवेंट करूंगा तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। और यहां पे हम इसकी कलर भी कर देते हैं। अब मैंने इसको कॉपी किया और किसी और जगह पे, मान लीजिए हमने इसको पेस्ट करता हूँ, मैंने यहाँ भी पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट एज ए वैल्यू होता है, पेस्ट नॉर्मल पेस्ट होता है, जैसा है उसी तरह से पेस्ट होता है, जनरली आप उसको करते भी हैं। लेकिन हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि इसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने की अथॉरिटी देता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट आप इसमें से पेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कोई पर्टिकुलर पार्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पेस्ट करना है वेल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर पूजा में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर फॉर्मूला को पेस्ट हुआ, तो फॉर्मूला का मतलब ये है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करता है, जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करता है पेस्ट पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू। तो अगर इसमें फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला पेस्ट करेगा, अगर वैल्यू है तो वैल्यू पेस्ट करेगा, डिपेंड करता है। ओके, अब इसमें दूसरा आता है पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है कि इसकी सिर्फ वैल्यू पेस्ट करता है। पेस्ट एज ए वैल्यू में सिर्फ वैल्यू पेस्ट होता है, मतलब कि जो इसका कंटेंट है वो कंटेंट को पेस्ट करता है, पूरी डेटा को पेस्ट नहीं करता है। लेकिन ये तो कहीं और पेस्ट करता है, मतलब कि फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग को रिमूव करके पेस्ट करता है। अगर मान लीजिए फॉर्मूला ही रिमूव करना है मुझे, मान लीजिए कि यहां से मुझे अपनी फॉर्मूले को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। तो क्या होगा कि ये फॉर्मूला इसी से रिप्लेस हो जाएगा और आपका पेस्ट हो जाएगा। करता हूं देखिए रिमूव हो। अब इसका यूज हम ऑफिस की रिपोर्ट्स वगैरह में करते हैं। अब मैं एक बार अपनी रिपोर्ट्स को ओपन करता हूं और एक डेटा एक रिपोर्ट ओपन करता हूं, मान लीजिए इसी रिपोर्ट को हमने ओपन किया। हमने इसी रिपोर्ट को ओपन किया। अब इस रिपोर्ट में आप देखिए कि ये रिपोर्ट मेरे सामने है और ये कई सारे फॉर्मूले से बना हुआ रिपोर्ट है जिसका डेटाबेस हमारा
ये टीम परफॉर्मेंस डेटा है, इसी डेटा से कनेक्टेड है और इसी डेटा से बना हुआ है। अब मुझे इस पर्टिकुलर शीट को मेल करना है। अब कोई पर्टिकुलर शीट मेल तो होगी नहीं, तो सबसे पहले इसको तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किसी शीट को अलग एक फाइल में रखने के लिए हम यहाँ पे मूव एंड कॉपी करते हैं। कैसे करते हैं, शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं एंड मूव एंड कॉपी, और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट कॉपी। क्रिएट कॉपी पे क्लिक करते हैं और न्यू बुक सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब है कि एक नई फाइल। एक नई फाइल को ओपन करता है। और यहां पर ओके कीजिए, एक नई फाइल में ये आपका चला भी जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि ये रिपोर्ट फिर भी अभी भी मैं नहीं भेज सकता। अभी भी इस रिपोर्ट को ना भेजने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि ये रिपोर्ट जो है फॉर्मूला से लिंक है। अब ये फाइल जो इस फाइल से लिंक है, ये फाइल मेरे सिस्टम पे है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने आपको मेल किया तो आपके सिस्टम पे ये फाइल होगी नहीं। अब आपके सिस्टम पे फाइल नहीं है तो ऑब्वियसली आप इस फाइल को नहीं देख पाएंगे। इस फाइल के अंदर जो डेटा है उस डेटा को नहीं देख पाए, तो फाइल के अंदर जो डेटा है उस डेटा को आप नहीं देख पाए। तो क्या करें इसके लिए? अब इसमें क्या है कि कई सारे जगहों पे फॉर्मूला लगा है, तो वन वन करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। अब यहां जो ए वन और ए रो एंड कॉलम के बीच में जो एक ट्रायंगल होता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेगा, और फिर इसको कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। जस्ट उसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला आपके एक्सपायर, ऐसे क्या बोलते हैं, रिमूव हो गए। आपके सारे फॉर्मूला रिमूव हो गए। बस आपके सामने देख रहे हैं कि सारे फॉर्मूला आपके रिमूव हो गए, और ये फाइल जो है आपका भेजने लायक हो गया, क्योंकि इसकी डेटा वैसे लिंक टूट गई, नॉर्मल कॉपी पेस्ट हो गया। तो ऐसे चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू को। तो पूरी सीट सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे, तो आपके जो चार्ट्स है, आपकी जो फॉर्मेटिंग है, आपका और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं एक बार नो करके बंद कर देता हूं, वापस आता हूं डेटा के। अब पेस्ट एज ए वैल्यू के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा पेस्ट एज ए फॉर्मेट। अगर मान लीजिए कि सेम फॉर्मेट कहीं पेस्ट करना है, तो हम कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहां पे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, आपका डेटा पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट क्या होगा? सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा। अब इसमें आगे बात करते हैं कि मुझे मान लीजिए कमेंट पेश करना है, तो कमेंट होता क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। कमेंट होता है कि अगर किसी सेल्स से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं, तो यहां आप फॉर्मेट सेल पे आ जाए और यहां कस्टम पे जाए, और सॉरी माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल दिया, हमने गलत कर दिया, राइट क्लिक कर यहां पर कमेंट, न्यू कमेंट पे आए और यहां पर लिख देते हैं कि दिस इज फाइनल मार्क्स, और यहाँ पे इसको क्लिक कर दे। अब जब इसका कर्सर जाएगा तभी ये दिखेगा, कर्सर में हटा दूंगा तो नहीं, माउस पॉइंटर जैसे जाएगा तो एक कमेंट दिखेगा, माउस पॉइंटर हटा दूंगा तो कमेंट नहीं दिखेगा। तो अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ कमेंट को कहीं पेस्ट करना है, जहां भी पेस्ट करना है वहां आप सिलेक्ट कर लें पेस्ट स्पेशल, और यहीं पर आपको पेस्ट एज ए कमेंट दिखता है। पेस्ट जे कमेंट पे जाए, ओके करे, और ये आपके कमेंट्स को पेस्ट कर देगा। तो पेस्ट जे कमेंट से आप पेस्ट कर सकते हैं।
ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बात आती है कि मुझे इसमें से बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है, तो कॉपी किया, राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल में, ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, बॉर्डर को पेस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक और चीज होती है, जैसे अभी अभी आपने रिपोर्ट को देखा, तो उस रिपोर्ट में मैंने क्या कर रखा था कि कॉलम का जो विड्थ है वो कॉलम के विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखा था, मतलब कि आपकी जो रिपोर्ट है वो एक पेज के ऊपर प्रिंट हो, ऐसी हमने सेटिंग कर रखी थी। अगर मैं इसको कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करता हूं तो इसके साथ इसका विड्थ पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डेटा पेस्ट होगा। तो विड्थ के लिए आप इस पे जाएं, राइट क्लिक करें, पेज पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आए और इसी के ऊपर कॉलम विड्थ कर दें। अब ध्यान रखिएगा, कॉलम विड्थ जो होता है वो कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करता है। नॉर्मल पेस्ट के लिए आपको वापस नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका नॉर्मल पेस्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं दोनों इकट्ठा हो, तो आपको आइकन का इस्तेमाल करना होगा। आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो आप राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल पे आए, और यहां आपके सामने ये दिखेगा आइकन में, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो ये आइकन है, इस आइकन के जरिए भी आप पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ हो जाएगा। तो आपको जो सोर्स कॉलम विड्थ है वो आपको आ जाएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा ये बढ़ता है कि अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे डेट डाला हुआ है, डेट और मान लीजिए मैंने कोई डेट यहां पे डाल दिया, और मैं इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट यहीं पे करता हूं, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूं। और जैसे पेस्ट एज ए वैल्यू हमने किया, तो आप यहां पे देखिए क्या हो गया, नंबर आ गया। तो नंबर क्यों आया इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस चीज को जानते हैं कि आखिर ये नंबर है क्या। तो बेसिकली ये नंबर है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ कंप्यूटर कैलेंडर। जब आपका कंप्यूटर कैलेंडर ओपन हुआ था तब से लेके अभी तक का नंबर ऑफ डेज है कि कितने नंबर ऑफ दिन हुए हैं। तो नंबर ऑफ डेज आपको बताता है, तो इसको साबित कैसे करेंगे। तो मैंने यहां पे वन लिखा और इसके ऊपर मतलब वन मतलब एक दिन, मैं यहां पे डेट जो है डाल देता हूं 1/1/1900। तो आपका कंप्यूटर कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ था वो 1 जैन 1900 को स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, 1 जैन 1900 को स्टार्ट हुआ था। तो यहां पे अगर मान लीजिए हम 23 कर देते हैं, तो देखिए ये आपको 23 जनवरी आ गया। अगर मैंने यहां पे 36 दे दिया तो मंथ चेंज हो गया, 367 दे देता हूं तो ईयर चेंज होता है, ऐसे ही 44/0/13 कर देता हूं तो ये आपका 1 जुलाई आ जाता है। तो आखिर में इस चीज को जानिए कि आखिर ये होता क्या है। तो एक कंप्यूटर कैलेंडर के अंदर जो सेटिंग होती है, वो सेटिंग होती है कि आप कोई भी डेट रखते हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर ऑफ डेज के अंदर में। कोई भी डेट रखते हैं तो नंबर ऑफ डेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। एक सुर्ख सेटिंग है। तो जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो उसका काम होता है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स का।
अब यहां पे एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि प्रोग्रामर ने किया तो ऐसा क्यों किया, ऐसी सेटिंग की क्यों? तो इसका जवाब ये है कि एक्सेल के रूल ये है कि किसी भी नंबर के साथ कुछ भी टेक्स्ट अगर आप रख देते हैं तो उस पर आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर ये डेट है तो इस पर हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? तो बेसिकली कैलकुलेशन जो हो रही है 4413 पे हो रही है और रिजल्ट जो आ रहा है 4033 आ रहा है। लेकिन जब डेट का फॉर्मेट इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है तो वो 30 को मंथ और 365 को ईयर में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। ओके जब पेस्ट जब वैल्यू करते हैं तो ये करता है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। तो डेट भी एक तरह से फॉर्मेट्स है तो इसकी फॉर्मेट्स को रिमूव कर देता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इस पे वापस फॉर्मेटिंग लगाने का झंझट ना हो, तो डेट कोई पेस्ट करे बाकी जो के पेस्ट ना करे, इससे बाकी जो फॉर्मेटिंग है उनको पेस्ट ना करे, फॉर्मूला को पेस्ट ना करे, तो आप क्या करें इसको कॉपी करें, पेस्ट स्पेशल में आप वैल्यू के जगह पे नंबर एंड वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट और फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला जो नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें और जैसे हम उसको ओके करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कुछ नहीं आया लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो नंबर की फॉर्मेटिंग क्या होता है? नंबर की फॉर्मेटिंग होती है जैसे कि डे टाइम डॉलर ये सब नंबर की फॉर्मेटिंग है। ठीक है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार रिपीट करने का। ओके, अब अगला टॉपिक आता है कि मैं यहां पे 20 लिखूं और यहां पे 30 लिखूं। अब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करूंगा तो 30 20 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं और यहां हम वैल्यू के जगह पे या जो भी करते उस जगह पे यहां ऑपरेशन में जाएं। जैसे मैंने यहां पे ऐड सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा कि 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। 20 एंड 30 के बीच में हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और फिर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको शो करेगा। ठीक है सर, और देखिए यहां पे 50 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जब आप कहीं कॉपी करते हैं, किसी डेटा को कॉपी करके किसी अनदर डेटा पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट तो रिप्लेस हो जाता है जनरली, लेकिन पेस्ट स्पेशल में अगर आपने ऑपरेशन में सेलेक्ट किया और आपने ऐड सेलेक्ट किया तो ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये तो फीचर समझ में आ गए हमारे, लेकिन अब यहाँ आता है कि बेसिकली इसका यूज क्या है। तो ये आप लोगों को मैं रिसर्च देता हूं कि इसकी एक ऑफिशियल यूज को सर्च करके मुझे दें, फिर आगे हम आपको बताएंगे इसके और क्या क्या यूज हो सकते हैं। ठीक है माधव जी, और आज मैं थोड़ा कम पढ़ाया क्योंकि वेट करने में काफी टाइम